हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहूंगा कि 25 जून आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जिनका असाइनमेंट सबमिट हो गया है, जल्दी से फॉर्म फिलअप सबमिट कर लीजिए अपना। अगर असाइनमेंट किसी कारण से सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो अभी तक जो इम्पोर्टेंट अभी तक जो अपडेट आ रही है कि डेट शायद एक्सटेंड होगा, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना स्टडी सेंटर विजिट करना है, आज कल के भीतर जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टडी सेंटर विजिट कर लो। पैक डेट में जमा करवाने की कोशिश करो। आई थिंक वो लोग कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टडी सेंटर में सैटरडे और संडे तक जमा होता है ना। तो सैटरडे संडे तक मेरे ख्याल से आप जमा कर सकते हो अपना स्टडी सेंटर में। जिनको लेकिन रीजनल सेंटर में अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है, उनके लिए थोड़ी सी इशू होगी। उनको जल्दी ही एक दो दिनों के भीतर जल्दी से जाकर के जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करवा देना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो। बट अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि डेट एक्सटेंड होंगे, डेट 30 जून तक बढ़ाए जाएंगे वापस से। तो आप लिखना अपना स्टार्ट रखें, ऐसा नहीं कि आपने लिखना अपना छोड़ दिया है। फटाफट जितना जल्दी से जल्दी हो सके लिख करके रेडी रखो। अगर इस वाले सेशन में नहीं भी जमा करा पाए तो अगले सेशन में तो करा ही लोगे, सिंपल सी बात यही है। क्योंकि आपका जो असाइनमेंट है उसका 2 सेशन की उसकी वैलिडिटी होती है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो आप करवा लो। दूसरा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि असाइनमेंट अगर आपने अपना सबमिट करवा दिया तो जल्दी से जल्दी जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर लो। 25 जून लास्ट डेट है, तब तक अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो कोई लेट फी आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 26 के बाद अगर आपने करवाया, 25 तक अगर आपने नहीं कराया, 26 के बाद अगर कराया, तो फिर आपको लेट फी पे करना पड़ेगा जो कि 1100 रुपए का है। यार ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब आपका टोटल जो कोर्स फी का जो एग्जामिनेशन खर्च का खर्चा है, एग्जामिनेशन फी है, उससे कहीं ज्यादा, उससे उसके बराबर फी आपको जो है लेट फी के रूप में देना पड़ जाएगा। तो ये सही नहीं होगा। जिनका सब कुछ हो गया है वो जल्दी से जाकर के फॉर्म फिलअप करवा लें। ये सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर था आपके लिए, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहा था। एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट उस बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो सही नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली असाइनमेंट्स को और एग्जाम के फॉर्म फिलअप को लेकर के बनाया गया है। तो it will not be like cool if I will mention that particular thing in this particular video. So अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जाकर के फॉर्म फिलअप कर लो। सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे आई डिक्लेयर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ आगे जाना है, प्रोग्राम कोड चूज करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, एग्जाम का रीजन अपना देना है, जहाँ पे भी आप एग्जाम देना चाहते हो। आप सपोज वेस्ट बंगाल से हो तो कोलकाता सेलेक्ट करना, करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, वहां पे आपको पेमेंट करना है। आपको अपना जो एग्जामिनेशन का सेंटर जो नजदीक है वो आपको चूज करना है कि आप एग्जाम देना कहाँ चाहते हो, उसका कोड वगैरह आपको चूज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपको सिंपली सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू।